वेलकम टू MLTP स्टडी पॉइंट। मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन के पार्ट वन लाए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस शहर को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी नासिक। दोस्तों, इसे भारत का वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की लगभग आधी वाइनरी नासिक में ही बनती है। नासिक महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक प्राचीन पवित्र जगह। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। श्री मद्भागवत गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, इन्होंने यह किताब तब लिखा था जब यह वर्मा के मांडले जेल में थे। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांडले जेल कहाँ है, तो ये वर्मा में है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता के रूप में भी जाना जाता है तथा इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। डोगरी भाषा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। यह एक इंडो आर्यन भाषा है तथा इस भाषा को बोलने वाले लोग को दुग्गर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले प्लास्टिक मुद्रा किस देश ने चलाया था? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता की पहचान करें। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी विपिन चंद्र पॉल। दोस्तों, विपिन चंद्र पॉल लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक अरविंद घोष के साथ साथ यह सब चरमपंथी नेता थे और उदारवादी नेताओं में फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, WC बनर्जी और दिनाशा वाचा शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों, इन्होंने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा झील भारत के सबसे दक्षिणी स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी वेम्बनाथ झील। यह झील दोस्तों केरल में स्थित है। दोस्तों, ये लोनार झील है, यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह सांभर साल्ट झील है, ये राजस्थान में स्थित है और ये चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र चांदीपुर किस राज्य में है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों, इसकी स्थापना 1889 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यमुना नदी। दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी भाषा को 8वीं सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी भोजपुरी। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। क्वेश्चन नंबर 11, जुलूस अनुपात दक्षिण अफ्रीका और समानुपात अरबोजिन्स अनुपात क्या? दोस्तों, जिस प्रकार जुलूस का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है उसी प्रकार अरबोजिन्स का संबंध किससे होगा, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जैसे जुलूस दक्षिण अफ्रीका का एक जनजाति का नाम है, प्रसिद्ध जनजाति का नाम है, उसी प्रकार
अबोरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध जनजाति का नाम है। दोस्तों भारत के प्रसिद्ध जनजाति का नाम गोंड गारो है और अलास्का का प्रसिद्ध जनजाति का नाम अलेट्स है और जापान के प्रसिद्ध जनजाति का नाम एनस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 15 जून 2005। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी वोल्गा नदी। दोस्तों वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। दोस्तों इसे रूस की राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत में चमड़े का सिक्का का प्रचलन किसने किया था? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। वे दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। ये अरबी फारसी संस्कृत और ज्योतिष के महान विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित में शपथ प्रतिज्ञा से संबंधित है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी तीसरी अनुसूची। दोस्तों पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है और चौथी अनुसूची में राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है और पांचवी अनुसूची जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 17, चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा। यह कपड़ा आधारित चित्रकला का एक रंगीन जीवित रूप है जो मंदिरों हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक की माता का क्या नाम था? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सुब्रदांगी। दोस्तों माया गौतम बुद्ध की माता का नाम था और त्रिशला महावीर जैन की माता का नाम था और यशोमती हर्षवर्धन की माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी पंचवर्षीय योजना राजनीतिक रूप से हरित क्रांति से जुड़ी हो सकती है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 1969 से स्टार्ट हुआ था ये हरित क्रांति और 74 तक चली थी। दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी पुरी उड़ीसा। दोस्तों यह राजा इंद्र दुमन के द्वारा 1611 ईस्वी में निर्मित किया गया था। दोस्तों यह हिंदू देवताओं भगवान विष्णु के समर्पित हैं। यह मूर्ति लकड़ी से बनाया जाता है तथा इसे प्रत्येक 12 से 19 साल में इसे औपचारिक रूप से बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन लोक नृत्य नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी कथकली। दोस्तों कथकली लोक नृत्य नहीं बल्कि शास्त्रीय भारतीय लोक नृत्य है। दोस्तों जो झूमर है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, ये गरबा है, ये गुजरात का लोक नृत्य है, ये डांडिया है, ये भी गुजरात का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 10 मई 1857। दोस्तों यह मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायतों का चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 243 का के। ऑप्शन डी 243 का के। दोस्तों ये तीन ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। ये पहला है
243 का बी ये पंचायतों का संविधान से संबंधित है, और ये 243 का डी है ये सीटों का आरक्षण से संबंधित है, और ये 243 का एफ है जो सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष मनाया था? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2007। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि